बोले थे नहीं दोनों कुछ गड़बड़ करके आएंगे। तो रसोई पूजने के लिए और रसोई पूजन के बिना जो है चूल्हा जलता नहीं है। इधर भैया कुरकुरे बैठ के खा रही है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई कुरकुरे खा रहा है, चल रहा है अलग अलग खाना सब चल रहा है। हम चाहे यार कितना भी बिजी रहे लेकिन बच्चे के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। सब्जी के नाम पर पका पका टलना दे, क्योंकि फंक्शन का दौड़ है। बार बार लोग लौटाने के लिए ले जाने के लिए नहीं आ सकता। अब इनको बोले पका हुआ तो घुमा दीजिए, अभी तुरंत लाए तो उतना दूर हम नहीं जाएंगे। हम आपसे अपील करते हैं बेचने के समय इतना सावधानी बरते कि पका हुआ कटहल ना दे, नहीं तो हमारे भैया काट मना कर देंगे, फिर हमारा नहीं बनेगा। बाकी यहाँ कटहल कट रहा है, छोटा कटहल लेता ना पका हुआ, दोनों तो होशियारे थे। हम बोले थे नहीं दोनों कुछ गड़बड़ करके आएंगे, पका हुआ छोटा वाला लेते ना तो पका हुआ नहीं रहता। फिर भी हम जो कटहल बेचते हैं उनसे अपील करते हैं कि आप कम से सोच समझ के दीजिए कि फंक्शन में आपका कटहल ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, अगर अच्छा काम कीजिएगा। बाकी यहाँ भैया बना रहे हैं आलू परवल का भुजिया सारा कुछ। जल्दी चलो नहा के उसका चूल्हा का पूजा भी करना पड़ेगा ना। नहा लो, नहा लो तो पूजा कर लेना। और इधर हमारी दीदी पूरा काम पे लगी हुई है, साफ सफाई पे। कितना बड़का काम कर दी तुम्हारा तब ना, पूरा घर चमका दिया, पूरा घर चमका दिए दीदी आप मेरा। तो भैया सब भी आ गए हैं जी यहाँ पर खाना बनाने के लिए, चूल्हा सब सेट है। पहले तो हमने सोचा था कि यह छत पर सब कुछ बनेगा, लेकिन अभी है बारिश का माहौल, तो बारिश का माहौल है तो यहीं पर इसलिए खाना सब बन रहा है। और बाकी भैया अच्छे से बनाइएगा, सारा यूट्यूबर सब आ रहा है, देश विदेश में नाम होगा आपका, समझे। पहले तो हमने सोचा था कि यहीं पर पूजा कराएंगे, नीचे में अच्छा स्पेस है, और लेकिन अब जैसा कि मौसम है इंद्र देवता जो है थोड़ा सा बरस गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर खाना बनेगा और पूजा होगा बीच वाले हॉल में, वहाँ भी स्पेस है। तो चलते हैं फिलहाल वहाँ ऊपर का जायजा लेते हैं क्या चल रहा है वहाँ। तो जिया आ गई है जी यहाँ पर रसोई पूजने के लिए, और रसोई पूजन के बिना जो है चूल्हा जलता नहीं है। तो यहाँ पर जो है अगरबत्ती और ये सब जितना सब चावल दाल जितना भी अनाज देख सकते हैं, हर तरह का अनाज यहाँ पर डाला जा रहा है। और जब यह हो जाएगा उसके बाद यह गैस जलेगा, फिर उसके बाद खाना बनेगा और सारे गेस्ट सब जो है कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। थाली यहीं छोड़ के चले जाइए, ठीक है। चलो ठीक, चलो ले लो। इवेंट देखकर बहुत खुशी होती है, हर माँ बाप के लिए क्षण वो है जो उस खुशी को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका बाल बच्चा इसी तरह आगे बढ़े, उसी लाइन में हमें भी रखिए। और एक बात है, जब मेरे अब मैं जब मैं खुद फंक्शन करती हूँ अपना, तो उस समय मेरा दिमाग इतना और बोल रहा था मैं खा नहीं पाती हूँ। मेरा बेटा जो फंक्शन करता है तो हमको व्रत रहता है कि कैसा इतिफाक है या संयोग है। देखो फिर भी कोशिश करते हैं कि इस बार खा लेंगे। प्याज के बड़े में था नहीं था, लेकिन मेरा फंक्शन होता था उसमें खाए थे। हाँ, अपने बार पहला भोज खाए क्रियांश के जन्मदिन पर, लगता है आज भी खा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आज मेरा आज मेरा कल व्रत था। तुम आज भगवान का पूजा ठान लिया तो हमको घर में खाया नहीं जाता है, इसलिए आज पूजा के बाद तो वो तो हम फुला रही है, तो तुम क्यों फुला रहे हो? हम नहीं फुला रहे, घर में पूजा हो गया, घर का श्रेष्ठ आदमी है, बाल बच्चा के सुख के लिए हम भर पेट खा रही है भात दाल कटहर का। चलो बढ़िया, जो करना है तो करो, लेकिन नहीं खा सकती तो कोई दिक्कत नहीं है। कल तो त्रयोदशी था, पूजन वगैरह तो हो गया, और इसके बाद देखते हैं क्या क्या बनता है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं, सभी लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पूजा जो है तैयार व्यार हो करके यहाँ बिरयानी खा रही है। वाह वाह, सुबह सुबह पूजा, गलत बात, दोनों बैठ के आराम से अपना अपना खा रही है। हम अपना बनाए, हम खाएंगे किसी को नहीं देंगे। हम बनाई हो तो बाप रे, सनराइज मसाला, सनराइज मसाला डाल के बनाया। वाह, तो यहाँ पे एक शूट हो रहा है सनराइज मसाला का, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ क्या, यहाँ पे आराम से खा रहे हैं, सारा उधर शूट करिए, सारा का बहुत सारा काम रहता है। और इधर दो दो रिंग लाइट लगी हुई है, इधर पूजा एकदम रेडी उडी होके। इधर भैया कुरकुरे बैठ के खा रही है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई कुरकुरे खा रहा है, चल रहा है अलग अलग खाना सब चल रहा है। रुद्र भाई हुए फ्री, रुद्र भाई शूट कर रहे हैं वो सनराइज मसाला का, उनका शायद होने वाला था ना सर, क्योंकि अभी समय लगेगा उसमें, आप जाके ले सब लाना है। सूखा लकड़ी कैसे लेंगे? सूखा लकड़ी का दिक्कत ये है कि बारिश पड़ गया है, सूखा लकड़ी कहाँ से मिलेगा? सूखा लकड़ी सुनो, मोलू सबको बोल दो फूल के लिए। यहाँ बन रहा है खाना, तो यहाँ देख सकते हैं ये कटहल फ्राई हो चुका है, उधर चावल बन रहा है, और इधर आलू और परवल का भुजिया बनेगा, और क्रियांश जो है उधर क्या कर रहा है, बंद ही है वो।
भैया यहाँ मसाला पीस रहे हैं और क्रियांश जो बाबा ऑन और ऑफ कर रहा है। क्रियांश क्या कर रहे हो? तो इधर धीरे धीरे काम चल रहा है सारा। चावल बन गया भैया? दाल दाल ही बन गया? बन गया। वाह, तो यहाँ बस खाना रेडी हो चुका है थोड़ा बहुत। और ये क्या बनाइएगा? प्याज का कटहल। ओहो नो, क्रियांश आ जाओ, क्रियांश आ जाओ, चलो। यहाँ पे खेल चल रहा है। वाह 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 वाह। और इधर सारा क्या कर रही हो? वीडियो पोस्ट पोस्ट। आराम से, तब से ही आराम से। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। टाइम पास चल रहा है। मन लग रहा है? बोर हो रही हो? नहीं नहीं, क्रियांश सब खेल के आए। अच्छा, यहाँ क्रियांश खेल है, बाकी यहाँ पे सभी लोग। पूजा किधर गई? पूजा किधर गई? पूजा पूजा किधर गई? खाना तो बन ही रहा, लेकिन पूजा फिर खाना बना रही है। हम स्पेशल खाना बना रहे हैं अपने बेटे के लिए। बच्चे का खाना यहाँ पे बन, खाना बन रहा है। और वो अपने बेटे के लिए बना रही है, साथ अपना पति को खिला रही है। तो डैडी भी खाना खा के चले जाने वाले हैं, अभी गए नहीं है। और बच्चा को तेल तुक्कर वाला खाएगा नहीं, थी इसलिए रोटी, सिंपल रोटी बना रही है। रोटी बना के दाल रोटी सब्जी डैडी को दिए। हाँ, मेरा बेटा का जो भोज का चावल है। भोज तो नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता भोज बोलने में। भोज कर रहे हैं जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए गेस्ट का खाना बन रहा है। गेस्ट का, क्योंकि भोज बगा तो उसमें मेरा परिवार समाज सब शामिल है। ये बात भोज नहीं है, बस ऐसे गेस्ट आ रहे हैं तो उनका भोज, जो बड़ा भोज होता है उसको। हाँ, गेस्ट भोज क्रियांश के बर्थडे में हुआ था। ऐसा कोई समय नहीं होगा, अगर छोटा भी भोज होगा तो एक आदमी ने तो पांच आदमी लेके निर्जा सबका स्वागत करेगी। आज भोज नहीं है, लेकिन हम गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, मम्मी का नाम निर्जा है ना? हाँ, निर्जा कुमारी, निर्जा। अच्छा नाम। यहाँ रोटी बन रहा है, बाकी क्या क्या बना है मैं दिखा। पहले मेरा समाज है ना, रिश्तेदार। सही बात है, तब मेरा जितने मेहमान हैं सब। बाकी यहाँ फैलार के लिए आम रखा हुआ है, आम केला, जो जिसको मतलब फल उल खाना है वो खा सकते हैं। ये हमारा गद्दा वगैरह भी आ चुका है, तकिया। तो यहाँ पे चल रहा है क्रियांश का खाना खिलाने का कार्यक्रम। चाहे आप कितना भी बिजी रहे, लेकिन बच्चे के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। और क्रियांश जो है खाना खाने में करता है बहुत ज़्यादा नखरा। तो देख सकते हैं कितने सारे लोग इसके उसमें लगे हैं कि कैसे भी खाना खा ले। अगर बच्चे खाना खा लेता है तो कम परेशान करता है, और ये खाता बहुत कम है। इसके लिए कैसे भी इसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। उधर शिवांश खा रहा है, और आपने देखा होगा कि पूजा इस भीड़ में भी मतलब कितना मतलब बिजी है, फिर भी खाना बनाई। दो रोटी क्रियांश के लिए, दो रोटी उसके लिए, इसमें कि एक एक रोटी दोनों खाएगा जैसे तैसे, एक ही आधा आधा खाएगा ना। और उधर शिवांश खा रहा है, नीचे हम क्रियांश को खिला रहे हैं। दोनों का क्रियांश और शिवांश नाम जो सेम है ना, दोनों का लक्षणों से हो जाते हैं। किसका नाम है दोनों का ना, लक्षण भी एकदम सेम ही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं और बहुत सारे गेस्ट भी आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, रात तक में सारे लोग आ जाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को भर भर के लाइक कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।